कोई भी बड़ा चुनाव पैसों का खेल होता है और लोकसभा चुनाव जैसे बड़े इलेक्शन में तो पैसों के बिना लड़ना लगभग नामुमकिन है। सबसे पहली बात है, लोकसभा चुनाव के कैंपेन के दौरान सिर्फ वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ही बहुत खर्च करना पड़ता है। 2019 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त देश में 90 करोड़ ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा थी, यानी वह वोट दे सकते थे। अब लोकसभा में 543 सीटें आप जानते हैं, यानी औसतन हर लोकसभा सीट में 16.5 लाख लोग वोट दे सकते थे 2019 में। 2024 में वोटरों की संख्या बढ़कर 93 यानी 93 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा और हर लोकसभा सीट का औसत बढ़कर 17 लाख लोगों से ज्यादा हो जाएगा। आप सोच लीजिए, किसी भी कैंडिडेट को अगर 17 लाख वोटरों तक अपनी बात पहुंचानी हो तो कितने रैली करने पड़ेंगे, कितने पोस्टर डालने पड़ेंगे, कितने एड देने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ इससे नहीं होगा, डोर टू डोर कैंपेन भी करना पड़ेगा, जिसका मतलब है पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर घर में जाकर वोटरों से बात करना पड़ेगा। इसका भी खर्चा है और बहुत सारे पार्टी कार्यकर्ता अपने जेब से पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उनके आने जाने का खर्च, उनके पेट्रोल का खर्च, ढाबे में लोगों के साथ बैठकर जब बात कर रहे हैं उनको चाय पिलाने का खर्च, ये सब पार्टी या उम्मीदवार को ही उठाना पड़ता है। ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के खर्च, चुनाव लड़ने के लिए नेशनल लेवल के खर्च भी होते हैं, जैसे बड़े बड़े एड। जिस जिस सीट पर कांटे की टक्कर होती है वहां पार्टी अपने स्टार कैंपेनर्स को भेजती है और उन पर खर्च अलग ही होता है, क्योंकि वे अपने सचिवों, करीबी कार्यकर्ताओं और सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि स्टार कैंपेनर रैली में आते हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचते, जो कि बहुत महंगा होता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडी CMS, जो कि हर चुनाव में किए गए खर्चों का रिपोर्ट निकालती है, उनका अनुमान है 2019 के चुनाव में कैंपेन, पब्लिसिटी और लॉजिस्टिक्स का कुल खर्च लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ का हुआ था। अगर हम पॉलिटिकल पार्टियों का कुल खर्च ले लें तो पब्लिसिटी एंड कैंपेन का खर्च लगभग उसका आधा है। इसके बाद सबसे बड़ा खर्च होता है लोगों को सीधा कैश या कोई तोहफा देने में। CMS के सर्वे के मुताबिक 2019 में राजनीतिक दलों के कुल खर्चे का लगभग 30% सीधा वोटरों को कैश बांटने में गया था। सर्वे के अनुसार 10 से 12% वोटरों को कोई ना कोई कैश बेनिफिट मिला था, साथ में जो लोकल दबंग हैं उन लोगों को भी काफी सारा कैश मिला था। ये सर्वे से निकल के आया है। 2019 में राजनीतिक दलों का कुल खर्चा 52,000 करोड़ के आसपास था। इसमें इलेक्शन कमीशन और सरकारी तंत्र का जो ऑफिशियल खर्चा होता है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं, उसको मैंने रिपोर्ट से अलग कर दिया। 2019 में अगर 52,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हो तो 2024 में ये 65,000 करोड़ पहुंच जाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। CMS का कहना है इस खर्चे का 45 से 55% बीजेपी के नेतृत्व में NDA ने किया था 2019 में। इसका मतलब है 2019 में NDA ने 23 से 29,000 करोड़ के बीच खर्च किया था। इस खर्चे का फायदा क्या हुआ, NDA को लगभग 27 करोड़ वोट मिले, यानी हर वोट पर 850 से लेकर 1,000 रुपए खर्च हुए। यही अगर 2024 में खर्च करना हो तो महंगाई के चलते हर वोट के लिए 1,100 से 1,300 खर्च करना पड़ेगा, औसत लें तो 1,200 रुपए प्रति वोट खर्च करना पड़ेगा। अब 2024 में चुनावी खर्चों का एक हम आंकलन करते हैं। 93 करोड़ कुल मतदाता होंगे, मान लेते हैं कि टर्नआउट जो है, जो वोटर आते हैं वोट करने, 2019 जितना ही होगा, यानी 67% से थोड़ा ज्यादा, फिर लगभग 63 करोड़ लोग वोट अल्टीमेटली डालेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम सोचें कि कांग्रेस पार्टी को एक गठबंधन की सरकार बनानी हो सेंटर में, जैसे 2004 से 2014 तक UPA में था, तो फिर कम से कम कांग्रेस को 25% वोट लाने पड़ेंगे। 63 करोड़ का 25% हुआ 16 करोड़ से थोड़ा कम। अब अगर हर वोट के लिए 1,200 रुपए औसत खर्च करना पड़े तो उतने वोट पाने के लिए लगभग 19,000 करोड़ कांग्रेस को खर्च करना पड़ेगा, उतने पैसे लगेंगे। एक चीज याद रखिएगा, 2018 से 2022 के बीच 9,208 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स
के जरिए राजनीतिक दलों को मिला है। इसमें से कांग्रेस को सिर्फ 964 करोड़ रुपए मिले थे, यानी 10% से थोड़ा ज्यादा। वहीं बीजेपी को मिले 5,270 करोड़ रुपए, जो कि कुल इलेक्टोरल बॉन्ड का 57% है। इसलिए कांग्रेस के लिए 19,000 करोड़ रुपए का जुगाड़ करना सिर्फ मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। आज का शो यही तक। अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाइएगा और साथ में न्यूज क्लिक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकॉन तो जरूर दबाइए, नहीं तो हम अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए और आप मिस कर जाएंगे। अगले हफ्ते तक नमस्कार।